लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब समाचार में। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के कासगंज में भड़की हिंसा के पीछे बड़ा जिम्मेदार अफवाहों का गर्म बाजार भी रहा। हिंसा के दौरान हुई गोलाबारी में चंदन गुप्ता नाम के युवक की मौत के अलावा एक और नाम सोशल मीडिया पर आया, वह नाम था राहुल उपाध्याय का, जिसे लोग हिंसा में मरने वाला दूसरा युवक बता रहे थे। सोशल मीडिया पर जहां यह चर्चा हो रही थी कि हिंसा के बाद घायल राहुल ने अलीगढ़ के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जी हां, राहुल उपाध्याय जिंदा है और उससे एक खास न्यूज़ चैनल के पत्रकार ने बात भी करी है। आपको बता दें कि राहुल उपाध्याय कासगंज से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित नगरागंज गाँव का रहने वाला है। उसकी मौत की अफवाहों के बीच पुलिस ने भी सोमवार को उससे पूछताछ की। राहुल ने अपने जिंदा होने की बात दोहराते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन जब कासगंज में हिंसा भड़की तो मैं नगलागंज में ही अपने घर पर था। राहुल के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं है और वह बिल्कुल ठीक है। अगर आपको भी सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं हो और आप भी एक पहल शुरू करना चाहते हैं सोशल मीडिया के विरुद्ध, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की अन्य जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।